हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दादी दो बच्चों को लेकर कूदी कुएं में। दादी माँ की मानसिकता ठीक नहीं थी। सिंदर के निकटवर्ती सिरोड़ी के गांव में कृषि कुएं पर अल सुबह दादी अपने दो पोते पोतियों को लेकर कुएं में कूदकर जीवन लीला समाप्त की। सूचना मिलते ही प्रमोद मेघवाल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कालंडरी पुलिस को सूचना दी और थाना अधिकारी गनी मोहम्मद मय साप्ते के साथ फौरन मौके पर पहुंचे और गोताखोर भीमराज पुरोहित कलापुरा जालोर ने बड़ी मशक्कत के बाद कुएं से तीनों शवों को बाहर निकाला। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतक जतु देवी संगलाचे भिल उम्र 65, भाया पुत्र मंगलाराम उम्र 4, ममता पुत्री मंगलाराम उम्र 6 बताई जा रही है। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। प्रमोद मेघवाल ने बताया कि संगलाराम भिल की परिवार की स्थिति बहुत खराब, वो मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं और मृतक जतु देवी की मानसिकता ठीक नहीं थी और परिवार उनका इलाज तक बड़े हॉस्पिटल में नहीं कर सकता था, इतना गरीब परिवार है। क्या कहते हैं कालंडरी थाना अधिकारी गनी मोहम्मद? हमें सुबह जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और उनके परिवार वालों ने बताया कि जतु देवी और दो बच्चे नहीं मिले। हमने आसपास देखा मगर कोई पता नहीं चला। फिर कुआं पर देखा तो जतु देवी का शव दिखा और जब गोताखोर कुएं के अंदर देखा तो दो और शव मिले। मंगलाराम 4 साल और पुत्री ममता 6 साल के शव मिले। इस घटना की बारीकी से जाँच कर रहे हैं। घटना कैसे घटी जाँच के बाद सभी जानकारी मिलेंगी और तीनों शवों को कालंडरी सरकारी हॉस्पिटल लाया है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।